मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम रिवाइज करेंगे राइट द स्मॉल लेटर. बिग लेटर लिखा हुआ है उसके सामने हमको स्मॉल लेटर लिखना है. ठीक है तो शुरू करते हैं. यहाँ सबसे पहले कौन सा लेटर है? जी. वेरी गुड. जी फॉर ग्रेप्स. तो उसके सामने हम लिखेंगे स्मॉल जी. तो कैसे लिखते हैं? स्मॉल जी. ये कौन सा लेटर है? एच. एच फॉर हाउस. तो उसके सामने लिखेंगे स्मॉल एच. ये कौन सा लेटर है? एल. वेरी गुड. एल फॉर लायन. तो उसके सामने क्या लिखेंगे? स्मॉल एल. ये कौन सा लेटर है? आई. आई फॉर आइसक्रीम. तो उसके सामने लिखेंगे स्मॉल आई. ये टी. टी फॉर टाइगर. उसके सामने क्या आएगा? स्मॉल टी. ये कौन सा लेटर है? ए. ए फॉर एप्पल. उसके सामने क्या लिखेंगे? स्मॉल ए. ये कौन सा लेटर है? डी. वेरी गुड. डी फॉर डॉग. तो उसके सामने लिखेंगे स्मॉल डी. ये कौन सा लेटर है? ये ई. वेरी गुड. ई के सामने क्या लिखेंगे? स्मॉल ई. ये कौन सा लेटर है? जे. जे फॉर जग. इसके सामने स्मॉल जे. चलो ये एम. एम फॉर मंकी. तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉल एम. ये कौन सा लेटर है? क्यू. वेरी गुड. क्यू फॉर क्वीन. स्मॉल क्यू कैसे लिखेंगे हम? ये हो गया स्मॉल क्यू. ये कौन सा लेटर है? आर. आर फॉर रैबिट. तो उसके सामने क्या लिखेंगे? स्मॉल आर. ये कौन सा लेटर है? एक्स. एक्स फॉर क्रिसमस. तो एक्स फॉर क्रिसमस ट्री वाला सामने क्या लिखेंगे? स्मॉल एक्स. एक्स. एक्समस ट्री. ये कौन सा लेटर है? एस. एस फॉर सन. तो इसके सामने लिखेंगे स्मॉल एस. ये कौन सा लेटर है? बी. बी फॉर बॉल. उसके सामने स्मॉल बी. तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्मॉल बी. तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में करनी है. ठीक है तो जो पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर, बिग लेटर लिखेंगे और उसके सामने उसका स्मॉल लेटर लिखेंगे. ठीक है तो आज हमने क्या रिवाइज किया? राइट द स्मॉल लेटर. और इसकी प्रैक्टिस आपको कहाँ करनी है? इंग्लिश की नोटबुक में. ठीक है बाय.